गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएसटी का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। क्या नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि क्या क्या प्रोसेस मैनेजमेंट को करनी होती, कौन कौन से फंक्शंस मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने होते हैं। मेनली उनके पास 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसके बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर, प्लानिंग रिफर्स टू क्या करती है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। मींस क्या हुआ? क्या डिसाइड करना होता है? क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन उसको करेगा, ठीक? प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लान क्या करता है? प्लानिंग की सबसे मेन बात यही होती है कि एक ब्रिज का काम करता है, जहां हम आज खड़े हैं और हम कल यहां खड़े होना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है उसको एक ब्रिज की तरह भर देता है, उसको एक वे बना देता है कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। एवरी मैनेजर स्टार्ट्स विद डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज। किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग? कि हम लोगों ने जो बिजनेस का ऑब्जेक्ट डिसाइड किया उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड हाउ टू अकॉम्प्लिश दीज ऑब्जेक्टिव, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जो सबके लिए एक बेस है, क्योंकि प्लानिंग में ही हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। मेन जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कैसे अकॉम्प्लिश करना है, उसी के बाद सारी चीजें निकल के आती हैं, सारे ही पार्ट निकल के आएंगे फंक्शंस के, कि उसके बाद क्या क्या होता जाना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर सेटिंग अप द प्लान्स, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। मींस कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होनी है, उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज किस वे में करेंगे, कि कैसे हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीन्स क्या होगा? डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड। कितने हमें डिपार्टमेंट चाहिए, सब डिपार्टमेंट चाहिए, कितनी यूनिट हमें चाहिए होंगी, हाउ मैनी पोस्ट और डेजिग्नेशन आर नीडेड, हमें अपना काम अकॉम्प्लिश करने के लिए कितनी पोस्ट चाहिए होंगी, कितना स्टाफ चाहिए होगा इन ईच डिपार्टमेंट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल। की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे। उसके बाद बचता है, वंस दिस डिसीजन आर टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट सेटअप। जैसे हम ये सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं कि तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टर्म स्टाफिंग। स्टाफिंग रिलेट्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हमें किन लोगों को, किस तरह के लोगों को हायर करना है, सिलेक्ट करना है, उनको अपॉइंट करना है, कैसे हम उनको ड्यूटीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेंगे, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवियंस ऑफ एम्प्लॉयज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉय, डिसाइडिंग देयर रेमुनरेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट एक्सेट्रा। उनके उसमें स्टाफिंग में और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कि हमें उनको कितना पे करना है, उनका प्रमोशन कैसे होगा, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट क्या होगा, ठीक। स्टाफिंग में पूरा ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होता है, एक व्यक्ति को सिलेक्ट करने से उसको अपॉइंटमेंट तक, दूसरा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ड्यूटीज असाइन करने का काम, लास्ट उसकी सैलरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन के बारे में डिसाइड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मीन्स क्या है? डायरेक्टिंग रिफर्स टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉई बाय मोटिवेटिंग दैम। कैसे हमें देना है उन्हें इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, कि ताकि वो मोटिवेट हो, ऐसे ना हो कि हम डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन दे तो रहे लेकिन वो फेडअप हो जाए,
फेडअप होने के बाद क्या वो काम उसी तरह कर पाएंगे? नहीं, जब वो मोटिवेट होंगे तो वो काम उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज कम्युनिकेटिंग विद देम, उनकी एक्टिविटीज को हमें सुपरवाइज करना होगा और उनको बताना होगा कि किस तरह से वर्क करना है। मैनेजर एक्ट्स एज ए लीडर एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन। मैनेजर क्या करता है, एक गाइड की तरह काम कर रहा है और उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता है कि किस तरह उनको काम करना है। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स कर लेगा? सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। डायरेक्टिंग में भी फोर फंक्शंस इंक्लूड हो जाते हैं। कौन कौन से? सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। ओके, एंड द लास्ट वन बचता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है? दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। क्या करते हैं इस फंक्शन में, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी और जो हमने प्लान परफॉर्मेंस थी उन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद क्या होगा, या तो परफॉर्मेंस उससे अच्छी आएगी या परफॉर्मेंस उससे खराब आएगी। अगर खराब आती है तो हम उसके डेविएशन के रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस थे जो हम लोग प्लान किया था उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए, और फिर उस प्लान को हम लोग जो रीजंस फाइंड आउट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए या ऐसे करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि ताकि वो गलतियां दोबारा ना हो जो हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक, देख लेते हैं इसको। बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस एंड इफ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ देम, मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट रीजंस एंड डेविएशन एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स टू कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान। ठीक, फिर क्या करेंगे, जब करेक्टिव एक्शन लेंगे वो किस लिए लेंगे, ताकि जो हम लोगों ने प्लान किया है उस पर हम लोग वर्क कर सकें। कंट्रोलिंग फंक्शन रिफर टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शन दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन पाथ ऑफ प्लान। ठीक, ये आपका लास्ट टॉपिक क्लोज होता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सेकंड लास्ट टॉपिक। अभी आपके पास इस चैप्टर का एक टॉपिक और बचता है, कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स।